तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, अभी खाना खाने हम खाने लगे हैं, पूरी छोले लॉरेंस रोड से। बैठना में गाड़ी में पड़ेगा क्योंकि विस्की को घर छोड़ के आ नहीं सकते थे। तो भाई गया पूरी छोले खाने, तो हम खाएंगे पूरी छोले ब्रेकफास्ट। मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा ना, बारिश और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग होती है, मतलब बहुत सही मौसम हुआ पड़ा है। प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए जो तैयार हुई होंगी ना भाइयों के घर राखी बांधने के, खासकर जिनकी नई नई शादी होती है, वो तो पूरा मेकअप वेकअप करके जाती है, उनका काम खराब हुआ होगा, सब कपड़े वपड़े सब खराब हो गए होंगे। तो अब वेट कर रहे हैं पूड़ियों की, बहुत भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो गाइस पूड़ियां छोले आ गए हैं, अभी लगे पूड़ियां छोले खाने। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है आज, तो पता नहीं क्यों रखड़ी की खुशी में भूख ही भूख लगी। मम्मी ने तो शुरू कर दी है पूड़ी छोले खाने। गर्मी हो गई, गर्म बहुत है, स्वाद नहीं वेखे हाले ना, भूख लगी है, गर्म बहुत है। पूड़ियां का स्वाद ही गर्म गर्म का आंदा है। बीबी क्या हो जाए यार, मैं तो ले रखे ही नहीं थले और मैं भी शुरू करती हूँ खाना। सच में बहुत गर्म है, नाइस टेस्टी है, मजा आ गया खा के। नहीं भरा और आपकी पूड़ियां खत्म भी हो गई। हो गई जल्दी आज, पर अब क्या करें। तो गाइस पेट अभी मेरा भरा नहीं है, पूड़ियां की खत्म हो गई आज, राखी करके बहुत रश था, पूड़ियां भी खत्म हो गई और अभी दिल करा कुछ और खाएं, खाया जाए, सोचते हैं की खाना। मम्मी मम्मी ने बोला था समोसे पूछ लो, समोसे भी इनके पास अभी नहीं है, वो कहते हैं थोड़ी देर बाद भरने हैं, तो भी कुछ और खाना पड़ेगा। तो गाइस बहुत धक्का, मतलब बहुत धक्का होया साडे नाल, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। पूड़ियों अभी खाने का टेस्ट बन ही रहा था मेरे साथ, क्योंकि एक पूड़ी तो विस्की खा जाती है, अभी एक ही पूड़ी खाई थी, दिल कर रहा भूख लगी बहुत ज्यादा और उनका सामान खत्म हो गया। अभी मैं और मम्मी और भाई डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएं। समोसे पूछे वो नहीं मिले कुछ, मतलब ऐसा ना वो प्रॉपर इंडियन इंडियन खाने का मन है। पहले भाई ने मुझे बोला कि सबवे चलते हैं, पूड़ियां खा के सबवे का कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, क्या किया जाए। रिमी तू दस यार की खाइए, मैंने तो हमने सब में इंडियन वो दो पूड़े भी खा ले हैं, पूड़ी भी खा ली है, पेट भरया भी है बट खाली भी है, खाली भी है, मेरा तो खाली है ना, मैं तो पूड़ी को खाती है। मम्मी तनु ये समोसे गरम गरम खा जाती है, मम्मी की करारी समोसा पेड़ी हुई है कि मैं समोसा खाना है, मैं सीरे भी करूँ सोच के तो भी। अच्छा मम्मी घर से सोच के है कि मैंने समोसा खाना है, ये समोसे स्वाद बड़े होते ना, पर तो अभी बने नहीं इसके, तो समोसे बने नहीं। तभी एक और जगह वहाँ से बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं, और मेरा मतलब समोसे का ठीक ठीक है, मतलब इतना कुछ, मतलब मेरा मूड पूरा पूड़ियाँ खाने का था, वो खत्म हो गया, गुस्सा आ गया, पर नहीं गुस्सा नहीं करना, कुछ और सोचते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो भाई कह रहे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पीने के बाद पता लगेगा तो कुछ खाने की गुंजाइश है कि नहीं है। वैसे कैसे मेरा सूट कैसा लग रहा है, मैंने आज पिंक सूट पहना, नया नहीं है, मतलब है तो पुराना ही है, पर पहना पहनती बहुत कम हो ना सूट, तो अच्छा लगा मुझे, नाइस नाइस। तो गाइस फाइनली कुछ खाने को मिल गया, फाइनली अभी पनीर के पकौड़े खाने लगे हैं, अब पेट भर जाएगा। पनीर के पकौड़े खा के हम जा रहे हैं घर, घर जाकर करेंगे रेस्ट शाम तक। देखो विस्की के फेवरेट है पनीर के पकौड़े, कैसे देख रही है मैं इसको खाएंगा, इसको खाएंगा पकौड़ा, अभी इसको गर्म भी नहीं लगना। हम घर जा रहे हैं, तो बाद में मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। Later that same evening. Hi guys, good evening. बाहर से आके हम सो गए सारे के सारे, अब उठी हूँ और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेक के आएंगे, बस तैयार हो रहे हैं, मम्मा चल रहे हैं। गाइस हम गुरुद्वारे आ गए, वो मम्मा मत्था टेक रहे,
तो मम्मी ने भी मत्था टेक लिया। तो गाइस सभी मत्था टेक लिया गुरुद्वारे में, कहाँ प्रसाद अंदर गाड़ी में जाके खाते हैं हाथ हाथ साफ करके। मम्मा टेक लिया मत्था, मम्मी फोन कितने जाना कार के घूमन कितना करना रिम्मी नू पूछते हैं कि अंदर लेटर। हाय गाइस, तो अभी रात हो गई है, पहले हमने सोचा था बाहर कहीं खा के आते हैं, पर आज सुबह से मतलब काफ़ी घूम लिया भी, स्विगी वालों का ऑर्डर आ गया तो उसको हमारा रास्ता नहीं समझ आ रहा, लोकेशन से भी नहीं समझ आ रहा, तो अभी हम पिक करने जा रहे हैं मतलब मेन सड़क से खाना। तो अभी हम जा रहे हैं खाना पिक करने, पता नहीं कहाँ पर खड़ा हुआ है भैया स्विगी वाले भैया, ये ही लग रहे हैं स्विगी। हैप्पी रक्षाबंधन। तो गाइस खाना हमने ले लिया, अभी हम जा रहे हैं घर, बस लगे हैं डिनर करने। तो सुबह से मैं वेट कर रही थी, मेरे भाई ने मुझे सुबह का कह रहा था कि देखो एक सूट गिफ्ट करना है, सूट गिफ्ट करना है, तो उसने मुझे बिल्कुल सुबह का नहीं दिखाया। मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा ने भी मुझे नहीं बताया, मेरे को लगा था कि कोई सूट वूट नहीं लेके आया। मैंने सवेर का तंग क्यों कर रहा सीगा जे तू सूट लेके आया सीगा, कारनामे। तो ये है मेरा सूट, रुको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये मेरे को भाई ने दिया है फुलकारी का सूट, अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा। वैसे भी मतलब मेरे को ज्यादा वो हैवी सूट्स और डार्क मतलब ऐसे होते ना जो चमकते चमकते अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे अच्छे लगते हैं सिंपल से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सूट, जल्दी स्टिच कराऊंगी। तो फाइनली मुझे राखी के गिफ्ट में मिला है एक सूट, ये नोज पिन लिप पिन और 11 रुपये। और हाँ सबसे अच्छी चीज़ कि आज मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, मुझे मम्मा और भाई ने कोई काम नहीं करने दिया, अभी भी डिनर आ गया, बस अभी खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। होपफुली आपको आज राखी का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगेन सॉरी मैं इतने दिन ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मम्मा को तो यही लगता है कि मुझे नजर लग जाती है लोग। अभी ये देखो गले में भी काला धागा बांध लिया, पाँव पे ऑलरेडी बांधा हुआ था, तो एनीवेज वो मम्मी के हैं, उनको लगता है मुझे नजर लगती है, मैं बीमार हो जाती हूँ। मुझे था कि राखी शॉपिंग करते वक्त भी बनाऊंगी, पर इतनी हेडेक स्टार्ट होगी एकदम से, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। तो खाना खाने में बहुत भूख लगी है क्योंकि सुबह से पूड़ियाँ खाई थी, वो भी मतलब ऐसे ही खाई थी, तो अभी लगे खाना खाने। आपको मिलती हूँ जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जुड़े रहो डेजी कॉर के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना मम्मी की तरफ से भी। मम्मी कह दो मम्मी तो डेजी का ये पता, मम्मी कंफ्यूज हो जाते हैं कैमरा देख के, जब एकदम से उनको बोलूँ ना, अच्छा मम्मी फिर तो बोलो, नहीं मम्मी नहीं कुछ बोल रहे। चलो गाइस गुड नाइट, मैं मम्मी नु गया, मैं क्या मम्मी चैनल सब्सक्राइब नहीं बोलना, मम्मी बोलो बोलो डेजी का लाइक करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब भी करा करो, हमेशा प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो डेजी को, बहुत ज्यादा ज्यादा। चलो गाइस अभी करते हैं गुड नाइट, कल मिलती हूँ आपको न्यू व्लॉग के साथ, बाय। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।